करने और कथनी में बहुत फर्क होता है। ये सिर्फ उनका नारा है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। अंकिता भंडारी का केस है उत्तराखंड में, वो भी देखा होगा आपने, वहाँ भी बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है। वो जितना कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप लोग देख ही रहे हो कितना बेटी के रेपेस केस हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके बाद उनकी उनको मारा जा रहा है। बाहुबली है इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं देखो, गुंडा है तभी तो उन्होंने ये काम करा है। यदि सही आदमी होता, सही सांसद होता, देश का चुना हुआ व्यक्ति है, सांसद है, उसको अपनी गरिमा रखनी चाहिए। यदि वह इस तरह की हरकतें नहीं करता तो आज लोग जंतर मंतर पे नहीं आते। पीटी उषा जी का एक बिल्कुल गलत बयान है, यदि उनके साथ अन्याय हुआ है, लड़की के साथ जब अन्याय हुआ है तभी लड़की धरना प्रदर्शन करी। देर इसलिए लग रही कि जो बाहुबली सांसद है वो केंद्र सरकार का है। मैं तो यही कहूँगी इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और महिलाओं का जो महिला पहलवान है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इन महिलाओं को कब तक न्याय मिलेगा। मैम कहाँ से आई? मैं द्वारिका सेक्टर 8 से आई हूँ और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से ब्रजभूषण के ऊपर ये आरोप लगा है उन शोषण का, तो क्या लग रहा है कि इन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा जो हमारी पहलवान है, गोल्ड मेडलिस्ट है? जी अब मिल, जैसे जन आंदोलन शुरू हो गया तब लगता है कि न्याय मिल जाएगा, क्योंकि जब लोग जंतर मंतर पर बैठे तभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो इसलिए अब हमें पूर्ण विश्वास है कि अब न्याय मिलेगा इन लोगों को। महिला बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा जाता है कि वो गुंडा है तो इसीलिए उनके बाहुबली है इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं देखो, गुंडा है तभी तो उन्होंने ये काम करा है। यदि सही आदमी होता, सही सांसद होता, देश का चुना हुआ व्यक्ति है, सांसद है, उसको अपनी गरिमा रखनी चाहिए। यदि वह इस तरह की हरकतें नहीं करता तो आज लोग जंतर मंतर पे नहीं आते महिला पहलवानों के साथ समर्थन में। तो उसने करी है हरकतें, इसीलिए जंतर मंतर पे महिला पहलवान आई हैं और इसी उसमें। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा ईमान महिलाओं का सम्मान। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो गलत है। वो जितना कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप लोग देख ही रहे हो कितना बेटी के रेपेस केस हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके बाद उनकी उनको मारा जा रहा है। आप राजधानी में रह रहे हो या पूरे भारत में रह रहे हो, आज लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको तो हमसे ज़्यादा पता है। तो बेटी कहाँ से सुरक्षित है? 2014 के बाद ही जब बीजेपी सत्ते में आई तब जाके ये नारा दिया है बीजेपी। नहीं बीज ना, मैंने बताया ना, करने और कथनी में बहुत फर्क होता है। ये सिर्फ उनका नारा है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। यदि सुरक्षा होती तो आम जनता जंतर मंतर पे नहीं होती। आप इस चीज़ को देखो, कहते हैं देश का जवान जंतर मंतर पे, देश का किसान जंतर मंतर पे, देश की बेटियों के लिए जंतर मंतर पे लोग खड़े होते हैं, अब देश के खिलाड़ियों के लिए जंतर मंतर पे। तो दूसरी तरफ पीटी उषा कहती हैं इनको धरने पे नहीं बैठना चाहिए था, इनको मेरे पास आना चाहिए था अपनी समस्या लेकर। नहीं नहीं देखो, पीटी उषा जी का एक बिल्कुल गलत बयान है। यदि उनके साथ अन्याय हुआ है, लड़की के साथ जब अन्याय हुआ है तभी लड़की धरना प्रदर्शन करी, नहीं तो कोई भी बच्ची नहीं चाहेगी इस तरह के आरोप लगाना। उनके साथ हुआ है इसलिए वो लगा रहे हैं और बोल रहे हैं इसलिए। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि जो आरोपी है, जो हम मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं वो मेरे सामने आए, वो सामने क्यों नहीं आ रही? नहीं तो आरोप लगाने वाले तो सामने ही बैठे हैं, चौड़े दिल्ली में देश की राजधानी में बैठे हैं और वो भी जंतर मंतर में ऐसी जगह पे बैठे हैं। तो इतनी देर क्यों लग रही है कार्रवाई करने में, जबकि यहाँ पे हम लोग जंतर मंतर पे हैं, लुटियन जोन में, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे संसद भवन है और सारी चीज़ें हैं, तमाम नेता मंत्री के यहाँ पे आवास है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? देर इसलिए लग रही कि जो बाहुबली सांसद है वो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के अधीन जब तक ऐसी ये उसको सीरियस नहीं लेंगे तो तब तक ऐसी देरी लगती रहेगी और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जब तक हमारे पीएम मोदी जी अपना नारा को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है उनको जरूर ये बोलना चाहिए कि बेटियों को बचाओ इसी सांसदों से, इन नेताओं से, यानी कि बीजेपी के ही सांसदों से अब बेटी को बचने की जरूरत। बहुत आपने देखा होगा, अंकिता भंडारी का केस है उत्तराखंड में, वो भी देखा होगा आपने, वहाँ भी बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है। तो हर जगह तो बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तब क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं इससे कुछ नहीं। जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं
हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए आए, इनके समर्थन के लिए आए हम। क्या लग रहा है कि महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा? पहलवान है, मिलेगा इंसाफ, जरूर मिलेगा, जब इतना कर रहे हैं तो मिलेगा इंसाफ भी मिलेगा इनको, जरूर मिलेगा। तो देख लीजिए, हमारे साथ ये महिलाएं थी और कह रही हैं कि बेटियों को जरूर इंसाफ मिलेगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।